बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर्दी बहुत लग रही है, जिसमें में दर्द आ रहा है, बॉडी की कैफियत है। तो अगर आपको बॉडी की कैफियत बहुत ज़्यादा पड़ गई है और गैस ब्लॉक हो रहे पेट के अंदर, और इसी तरह सर्दी बहुत लग रही है और इसी तरह जिसमें में अकड़ाव और दर्द की कैफियत आ रही है, तो इन तमाम बातों का जो मजमूई तौर पर जो इनका जवाब है वो बहुत आसान है, और वो बड़ी इलायची है। बड़ी इलायची को काली इलायची भी बोलते हैं अक्सर लोग अक्सर जगह पे, और ज़्यादातर इसको बड़ी इलायची बोला जाता है। और बड़ी इलायची हर जगह आसानी से मिल जाती है। अगर जिस्म में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा आ रहा है, कमर में दर्द आ रहा है, कंधे में दर्द आ रहा है, टांगों में दर्द आ रहा है, हड्डियों में दर्द आ रहा है, जिस्म जो है काम करने से कोऑपरेट करने से बागी हो गया है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है? नॉर्मल दो इलायची से भी काम होता है। नाबालिग है या कम उम्र है तो दो इलायची बहुत है, और 40 प्लस है तो तीन बड़ी इलायची ले लें। इसको साबुत पे ले तो भी ठीक, या फिर इसको हल्का सा कूट ले तो और अच्छा ठीक है। ऐसी सूरत में ये आपका काम हो जाएगा। उबाल के एक कप पानी में जब ये आधा हो जाए तो आपको इसको हल्का सा नीम गर्म पी लें। अगर आपका बीपी हाई है तो आप इसको ठंडा लें। आप अगर बीपी जिनको लो है वही सिर्फ नीम गर्म हालत में ले, या जिनका बीपी हाई है तो वो एकदम हल्का सा गर्म हो, नाम गर्म हो और ऐसा पी ले। आपकी पूरी ये आपके पूरे जिस्म का दर्द दूर करेगा। ये असर नहीं करती कि आपका दर्द कौन से सेक्टर में है। दर्द आपका आसाबी है, यानी हड्डियों का, बलगम का और सफ़ेद मादों का दर्द, ये आसाबी दर्द कहलाता है। दर्द आपका उजलाती है, यानी कि जितने भी पट्टे हैं ये इनका भी आसरा नहीं करती। दिल के दर्द में भी काम करती है, और गुदूद में कहीं भी दर्द हो बुनियादी दर्द को ठीक करती है। ज़्यादा पुराने दर्द को नहीं, बुनियादी दर्द को ठीक करती है। इसी तरह किसी को नज़ला बहुत है, ऐसी सूरत में दो तीन इलायची का, बड़ी इलायची का कहवा पी ले तो उससे फौरी तौर पर फ़ायदा देगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।